एक बार भैया नाम पता बताएं जो फोन किया था। मेरा नाम है कमलेश नाभे, ये ग्राम झेलपुर है और थाना कुटवाहन है। तो दोस्तों आप ये देख सकते हैं जस्ट बगल में गांव है और गांव परिवार है, परिवार के बीच में ये धान का खेत है। यहाँ पर दोस्तों एक भारत का काफ़ी विशाल का है जिसे हम सांप मानते हैं अजगर। तो दोस्तों इंडियन रॉक पाइथन इसी को कहते हैं। चलिए इसको यहाँ से लेकर चलते हैं थोड़ा दूर जंगल झाड़ियों में, रिलीज करते हैं। यहाँ के लोग दोस्तों बहुत अच्छे हैं, जो बेजवानों को बचाने के लिए हमको याद किए और काफ़ी समय भी दिए। ये शायद कुछ खा पी करके बैठा हुआ है, वैसे इसके काटने के बाद कुछ होता नहीं, इंसान थोड़ा सा भयभीत हो जाता है। और ये दोस्तों किसी को काटता नहीं, सीधा पकड़ के खा जाता है। दोस्तों इस समय ये थोड़ा सा खाया पिया है, आप इसे देखिए। दोस्तों इनकी प्रजातियां बहुत ज़्यादा हैं भारत में, इस समय बहुत ज़्यादा ये निकलता है। ज़्यादा करके दोस्तों ये सुल्तानपुर, आजमगढ़ और अयोध्या की तरफ ये सांप ज़्यादा निकलता है। ये जो एरिया है दोस्तों आजमगढ़ की तरफ, इधर बाढ़ क्षेत्र है, जब भी बारिश होती है हर जगह पानी भर जाता है, तो बाढ़ की वजह से ये सांप हमारे आपके घरों में आते हैं। कभी कभी तो दोस्तों एक साथ ये घर के अंदर 2, 4, 5, 7, 8, 10, 12 भी देखे जाते हैं एक ही घर में। जी चलिए चलिए बाहर ले जाए। तो दोस्तों ये जब यश का मॉडल बनाता है तो समझ लीजिए बाइट करने की फिराक में होता है, जंप करता है, सीधा काट लेता है। दोस्तों ये भैया धान के बाहर हो जाइए आप लोग, ये धान बाहर लेके आ जाइए। इसकी लंबाई अभी तो हालांकि दोस्तों 7 फीट होगी, 5 से 7 फीट, 8 फीट, और ये लगभग दोस्तों 15 से 17 फीट के आसपास देखा गया है पूरे भारत में। इसका नाम है इंडियन रॉक पाइथन, इसी को दोस्तों गांव में अजगर कहते हैं, कहीं कहीं पर इसे चित्ताण कहते हैं। इसका जो मुख्य रूप से भोजन है वो यार है, लोमड़ी है, और जानवर के बड़े बड़े बच्चों को ये खाता रहता है। कभी कभी नीलगाय के बच्चों को खाया है और कुत्तों को भी ये खाता है, खरगोश को ये खाता है, बहुत सारे जीवों को खा करके जीवन का गुजर बसर करता है। एक कहावत है दोस्तों कि अजगर करे न चाकरी और पंछी करे न काम, दास मलुका कह गए सबके दाता राम। तो ये एक ही जगह पर बैठा रहता है, भोजन स्वयं इसके पास चल करके आता है। इसके बड़े बड़े दांत होते हैं, यहाँ के लोगों की वजह से, इस गांव की लोगों की वजह से इसकी जान बच पाई है। ये लोमड़ी खाया है हमें लग रहा है। हाँ वही हो सकता है। बाइक दीजिए, बाइक कभी कभी दोस्तों ये होता है कि जब इनके साथ कोई छेड़छाड़ हो जाती है तो जो चीज़ें ये खाया रहता है वो उन सब चीज़ों को पलटी कर देता है।
यार वही खाया है, यार खाया जो है का यार खाया है, चलिए दोस्तों ये जो खाया हुआ था ये पलटी कर दिया। हालांकि एक की जान तो चली गई, भगवान इसकी आत्मा को शांति दें। इसको दोस्तों पैक करते हैं, थोड़ा दूर लेके चलते हैं, रिलीज कर देंगे। अब ये बची हुई ज़िंदगी जो भी है इसकी वो उस इंसान से गुजर जाएगी। ये दोस्तों थोड़ा हल्का हो गया है इसलिए भागता है बहुत तेज़ी से। ये दोस्तों आप देखिए ये लोमड़ी को खा गया था। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। और मेजबानों को दोस्तों इस प्रकार से बचाते हुए इसे हम थोड़ा दूर लेके चलते हैं, जंगल झाड़ियों में रिलीज करेंगे। तो दोस्तों एक तो मर चुका है, अगर इसे नहीं यहाँ से ले जाते तो शायद गांव वाले इसे नुकसान पहुँचा सकते थे। भगवान इसकी आत्मा को शांति दें। दोस्तों एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, वीडियो को दूर तक शेयर कीजिए और इस प्रकार से मेजबानों को आप भी बचाने में हेल्प कीजिए। इन्हें मारिए नहीं, ये भी हमारे पर्यावरण की एक श्रृंखला है। बहुत धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।